नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने कुंडली विशेषज्ञ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को मयंक शर्मा की ओर से ढेर सारा नमस्कार। तो नया साल लग चुका है, नए जोश और ऊर्जा के साथ हर कोई जानना चाहता है कि क्या कहता है उसका मासिक राशिफल। और आज हम जानेंगे कि फरवरी का ये माह खास तौर पे कर्क यानी कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रहों की चाल ढाल, शुभ और अशुभ ग्रह हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं। और आइए इसी को लेकर जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के ग्रहों की चाल आखिरकार क्या कहते हैं उनके सितारे। देखिए, कर्क राशि वालों का सबसे पहले गोचर की स्थिति बता देते हैं कि इस समय कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लगन में इस समय चंद्रमा ही रहेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं। पंचम भाव में बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, मंगल बैठे हैं। मंगल यहाँ कर्म के स्वामी भी हैं और पंचम भाव का भी हम राजयोग देखते हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। बहुत सुंदर राजयोग कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। छठे भाव में स्वराशि के गुरु केतु के साथ है। सप्तम भाव में शनि और सूर्य, देखिए एक बार फिर से यहाँ कार्य व्यवसाय के भाव में शनि बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन स्थिति रहेगी। अष्टम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति बन रही है। नवम, दशम और एकादश भाव खाली है। बारहवें घर में इनके खर्च के भाव में उच्च के राहु बैठे हुए हैं। तो ये कुछ ग्रह स्थिति फरवरी में कर्क राशि वालों के लिए रहने वाली है जी। और कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का माह काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार फरवरी में आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं, लेकिन जैसे कि मेंग जी ने बताया ना कि गुरु केतु के साथ बैठे हैं, और आइए फटाफट जान लेते हैं कि इसका आपके सेहत पर यानी कि आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा हिदायत की जरूरत नहीं है। गुरु केतु गुरु स्वराशि में छठे भाव में है, तो कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं रहेंगे स्वराशि के ग्रह बैठे, लेकिन केतु की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। खान पान के मामले में कर्क राशि वालों को देखा है कि संयम नहीं बरतते हैं, तो उनको पेट संबंधी रोग अक्सर परेशान करते हैं, एसिडिटी वगैरह, तो ये दिक्कत थोड़ी सी इस समय बढ़ जाती है। थोड़ा सा सावधानी रख के चलनी है। इसके अलावा कर्क राशि वालों को कोई बड़ी ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही है। अष्टम भाव में उनके शुक्र और बुध हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जिन लोगों को अगर जोड़ों के दर्द की समस्या है या स्पाइन में कोई दर्द रहता है, नसों का दर्द रहता है, वो इस समय बढ़ सकता है। थोड़ा सा अपना इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। तो इसके अलावा हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत कर्क राशि वालों को कविता नहीं रहने वाली है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर आप थोड़े से फूडी हैं तो अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि फरवरी के माह में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे फरवरी यानी कि ये महीना कैसा रहने वाला है। जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कितनी मेहनत के साथ इस बार परीक्षाएं देने वाले हैं वो लोग, और साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो विदेशों का रुख करते हैं उनके लिए फरवरी का ये माह कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर राजयोग पंचम भाव में बना हुआ है, विद्या का हम देखते हैं यहाँ से। तो मंगल आपका बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, तो मंगल आपको यहाँ बहुत बढ़िया लाभ देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं इस समय, उनको बड़ी सफलता मिलेगी जी। और कर्क राशि वालों के स्टूडेंट्स को सब कुछ पाने के लिए इस माह में, जो स्टूडेंट्स अभी बाहर जाना चाहते हैं उनको भी थोड़ा समय रुकना चाहिए, क्योंकि उनका लग रहा है कि मार्च के बाद वो स्थिति बनेगी कि वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें। तो जो यहीं पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है ये। अगर आप कोई भारत में रहकर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माह रहेगा। और अगर आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करें, परीक्षा की, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर समय है। इस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मैं जी अगले पड़ाव यानी कि कहें कि कार्य क्षेत्र पे जाने से पहले मैं ही जानना चाहती हूँ, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो हमेशा कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न उठाते हैं, सवाल करते हैं कि आखिरकार जो आप ग्रहों की स्थिति बताते हैं, जब राशि जो हर मासिक राशिफल बताते हैं वो किस आधार पर बताते हैं। देखिए, ये हम आपके ना तो नाम राशि के आधारित है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे से पूछते हैं फोन करके कि भाई मेरी ये मेरी नाम राशि है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं या किस सन साइन से बता रहे हैं। देखिए, हम ये चंद्रमा पर आधारित है भारतीय ज्योतिष, और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपकी चंद्र राशि होती है, और ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है। तो उसके आधार पर देखेंगे तभी ये सटीक आपको प्राप्त हो पाएगा। ऐसे के समय उम्मीद करती हूँ कि हमारे जिन दर्शकों का जो ये सवाल है उन्हें स्वयं उत्तर मिल चुका होगा। उनकी जितनी भी दुविधा है हमारे
इस मासिक राशिफल से वो दूर हो चुकी होगी। और आइए जान लेते हैं फटाफट कि आखिर का कार्य क्षेत्र फरवरी में आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। जितने भी कर्क राशि वाले कारोबारी हैं और नौकरी पेशा वाले हैं उन्हें कितनी उन्नति मिलने वाली है, और वो छोटे मोटे वो कारोबारी जो कुछ फरवरी में कुछ नए काम से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, क्या उनके लिए सही वक्त है या नहीं। ये फरवरी तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि इनका शनि स्वयं सप्तम भाव में है, पंचम भाव में मंगल है। तो बताना चाहते हैं जो कारोबारी है उनके लिए तो ये महा मतलब कि चांदी ही चांदी है, यानी कि अपना नया काम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नए काम की शुरुआत कीजिए, नौकरी बदलना चाहते हैं वो कीजिए। आपके लिए शनि सप्तम भाव में आके बैठ गए हैं, तो शनि यहाँ आपको लाभ ही लाभ देने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में होगा। पंचम भाव में मंगल भी जो है लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कविता, उनको इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। और देखिए फरवरी माह में दिल्ली में इलेक्शन भी हैं, तो जो अगर दिल्ली में जिनकी कर्क लगन या कर्क राशि है तो उनका चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत बन रही है, और मंत्री पद भी प्राप्त होगा इस समय कर्क राशि वालों को। तो पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही शानदार समय है ये, व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। तो आप मन लगाकर मेहनत कीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर्क राशि वाले इस समय व्यापारी या नौकरी पेशा लोग उनको बड़ी सफलता मिलेगी। और जो सामाजिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक कार्य से हैं या जिनका काम कंसल्टेंसी का है, उनके लिए भी ये माह बहुत बढ़िया रहेगा मंगल की वजह से। और जो कि जैसे आपने बताया ना कि शनि की शुभ दृष्टि कर्क राशि वालों की राशियों पर है, तो ऐसे में अगर आप फरवरी के माह में अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन फरवरी माह में कैसा रहने वाला है। देखिए आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी इस समय रहने वाली है, शनि मंगल और गुरु जो है वो आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी, और इस समय आप खुद भी मेहनत करने को तैयार हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव में स्वयं आ गए, शश नाम का राजयोग बना हुआ है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं रहने वाली है इस समय कर्क राशि वालों को। धन की स्थिति कुंडली में बहुत ही अच्छी नजर आ रही है कविता, और इनकी किस्मत भी शनि देव की वजह से बहुत ज्यादा साथ देगी, तो कुल मिलाकर इनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है, इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत खूब कीजिए तो उतनी ही ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। और जो कि ग्रहों की स्थितियों का जो असर होता है वो रिश्तों पर भी पड़ता है, और ऐसे में आइए जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के पारिवारिक यानी कि उनके निजी जीवन और उनके प्रेम प्रसंग पर खासतौर पर उनका ये फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। फरवरी माह इनके वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि इनके स्वराशि के आ गए हैं सप्तम भाव के, तो जीवन साथी का भी भाग्योदय होता हुआ नजर आ रहा है, जीवन साथी की तरक्की होगी, आपके वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी आपके चाहे लव लाइफ हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, कोई बड़ी परेशानी नहीं है इस समय, सब चीज आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही शानदार समय है, हालांकि एक चीज है, थोड़ा मानसिक तनाव से आपको इस समय बचना चाहिए, भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। चलिए ये तो जान लिया कि आखिरकार फरवरी में आपके रिश्ते किस तरह रहेंगे, और अब बारी आती है कौन कौन सी सावधानियां आपको फरवरी यानी कि इस महीने आपको बरतनी चाहिए कर्क राशि वालों को। देखिए कर्क राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता इस समय मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि इस माह आपके लिए, पहली बात तो ये है कि सब कुछ पाने के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि आपको इस चीज से नहीं बचना चाहिए। देखिए 12वें भाव में उच्च के यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो फिजूल खर्ची आप बहुत ज्यादा अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा आने वाले समय में। और अष्टम भाव में शुक्र और बुध का योग यहाँ बना हुआ है, तो इस समय आपको व्यर्थ की भागदौड़ की यात्राओं से आपको बचना चाहिए, बेवजह आप कहीं ट्रैवल इस समय ज़्यादा ना करें, अन्यथा थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज को इस समय बढ़ सकते हैं, या किसी से व्यर्थ का वाद विवाद वहाँ हो सकता है, और किसी को पैसा इस समय उधार ना दें तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, वो पैसा फंस सकता है अभी, तो इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ हम अपने अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि आखिरकार क्या कहता है उनका आर्थिक जीवन। जी हाँ, फरवरी माह में खासतौर पर कर्क राशि वालों के लिए उनके धन संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी होगी, आइए जानते हैं। नहीं, कर्क राशि वालों के धन संपत्ति में काफ़ी वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, इनका धन का स्वामी बहुत मजबूत है, और देखिए इनकी कुंडली में शनि और मंगल जो है बहुत अच्छा धन का योग बना रहे हैं,
तो इसलिए धन संबंधी कोई परेशानी कर्क राशि वालों को अभी आने वाले समय में नहीं आने वाली है। मैं जी, कई लोगों का ये भी सवाल होता है, मतलब कर्क राशि वाले ऐसे जातक जिनका कहीं धन रुका हो, क्या उनका धन आने के योग आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो इस समय आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि की स्थितियाँ बहुत ही शुभ है, तो रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खुद की सलाह मैं आपको दूंगा कि आपको कहीं पैसा इस समय उधार नहीं देना चाहिए बस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव आपके साथ है, तो आपके रुके हुए पैसे को शनिदेव आप तक जरूर पहुंचा देंगे। चलिए इसी के साथ आइए फटाफट जान लेते हैं छोटे मोटे उपाय जिसके करने से फरवरी में आने वाली कोई बड़ी घटना टल सके। देखिए इस समय आपको क्या करना है कि एक तो मानसिक तनाव से आपको समय बचना चाहिए। अगर आपको मानसिक तनाव रह रहा है थोड़ा योग का सहारा लीजिए। और कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत कूल माइंड होते हैं, शांत रहते हैं, वो परिस्थिति से निकलना जानते हैं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं कर्क राशि वाले। और देखिए शुक्र बुध का योग इनका अष्टम भाव में है, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, किसी काम में आपकी रुकावटें परेशानी नहीं आएगी। एक चांदी का कड़ा अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, या चांदी की अंगूठी पहने कर्क राशि वाले, तो उनको इस समय विशेष फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी परेशानी, कोई दिक्कत इनको नजर नहीं आ रही कविता। तो ये हमने आपको बताया कि क्या कहता है कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल, फरवरी का ये महीना उनको क्या कुछ देकर जाएगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, और जाते जाते मैं हमेशा अपने दर्शकों को याद दिलाती हूँ कि अगर आपके भी ज्योतिष विद्या से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपके कुंडली से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का, आपके हर सवाल का जवाब स्वयं आपको मयंक जी देंगे। अलसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हमारे जो पिछले एपिसोड्स हैं वो मेष राशि से लेकर मिथुन पर हैं, और आने वाले जो एपिसोड्स होंगे वो हमारे कर्क राशि से लेकर अन्य राशि तक। नमस्कार।